नंबर फोर, और वो है पूछना, पूछना, आस्किंग क्वेश्चंस। ये एक बहुत फंडामेंटल टॉपिक है। देखिए क्या मामला है, हमने ये देखा ना कि वी आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन नॉलेज। हम वो एक रसम अदा करने के लिए, अटेंडेंस लगाने के लिए, डिग्री पाने के लिए, हम वो नहीं कर रहे हैं, वी आर डूइंग इट फॉर नॉलेज। तो नॉलेज के अंदर जब आप इंटरेस्टेड है ना, मैं आपको एक बात बताता हूं, एक बहुत ही फंडामेंटल चीज नॉलेज की ये है कि हमारे अंदर उस चीज के ताल्लुक से, वो नॉलेज के ताल्लुक से एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, और वो क्यूरियोसिटी हमें ड्राइव करे पूछने की तरफ, क्योंकि पूछना ये नॉलेज की एक बहुत अहम की है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि शिफाउल अय्यी अस्वाल, द क्योर ऑफ इग्नोरेंस इज टू आस्क, जहालत का इलाज पूछना है। तो कोई चीज नहीं मालूम है तो पूछना उसका इलाज होता है। कुरान में दो जगहों पर दिया है, फसलू अहल दिक्री इन कुंतुम ला तालमून, पूछो जानने वालों से अगर तुम्हें नहीं पता। सूरह नहल सूरह 16 वर्स 43, सूरह 21 आयत नंबर 7, सूरह अलंबिया। तो पूछो जानने वालों से। अब यहां हम ये देखते हैं कि पूछने में दो टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। एक प्रॉब्लम ये होता है, मैं पूछूंगा तो उनको पता चल जाएगा कि मुझे नहीं समझ में आया। हाँ, तो कई लोग पूछते नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन पूछेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। हाँ, और इट विल बी एम्बैरेसिंग, मे बी एम्बैरेसिंग। तो आपका क्या कहना है, फिर पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? हाँ, ये चीज ओवरकम करना होगा। ओवरकम करना होगा फॉर वॉट, फॉर दैट जेन्युइन इंटरेस्ट, फॉर दैट गोल, जो हमने पॉइंट वन टू में जो गोल सेट किया, जो हमारा जेन्युइन इंटरेस्ट है, फिर उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इस झूठी शान और शौकत के लिए, झूठी इज्जत के लिए। तो बेटर, नहीं समझ में आया तो इट्स बेटर टू टेल, नहीं मुझे नहीं समझ में आया, नो हार्म। भाई नहीं पता है तो ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि किसी को नहीं पता है और उसे ये भी नहीं पता है कि उसे नहीं पता है। मतलब कम से कम इतना तो पता है कि मुझे नहीं पता है, कम से कम इतना तो समझ में आया कि मुझे नहीं समझ में आया। हाँ, कितने सारे लोगों को नहीं समझ में आया, लेकिन ये भी नहीं समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और फ्रेंड्स चिढ़ाएंगे तो वो हमारा आगे की तरफ ये पॉइंट आने वाला है, लेकिन सही बात यह है, आई कम टॉक अबाउट इट व्हेन वी कम देयर। लेकिन सही बात यह है, पूछो। और पता है आपको, ऐसा कोई एक पूछने वाला होता है तो बाकी सबका भी फायदा हो जाता है। मतलब बाकी लोग जो शाये बैठे होते हैं, हाँ, जो पूछ नहीं पा रहे हैं, तो पूछने से एक नॉलेज बहुत बढ़ती है। अच्छा, आजकल पूछने का एक ऐसा सोर्स आ गया है जहां कोई एम्बेरसमेंट नहीं होता है, बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है। हाँ, शेख गूगल। हाँ, तो पूछने में गूगल को पूछो या कोई सर्च इंजन को पूछो, यूट्यूब को पूछो। पता है आपको, आजकल इतने अच्छे अच्छे वीडियो रिसोर्सेज आ गए हैं कि वो रिसोर्सेज की वजह से, वो जो रिसोर्सेज अवेलेबल है आज, एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई चीज समझ में नहीं आई, विकिपीडिया अवेलेबल है, वहां पे काफी सारी डिटेल्स मिल जाएगी, उसके अंदर लिंक से लिंक फॉलो करके आदमी वो कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सकता है। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आ गई जो बहुत आम आदमी की जुबान में समझाते हैं, आम जुबान में समझाते हैं। ऐसी वीडियोस आ गई है, बल्कि ऐसी वीडियोस को बहुत सारे व्यूज मिल जाते हैं जो इफेक्टिवली रियल नॉलेज दे रहे होते हैं। तो पूछना बहुत जरूरी है मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यहां कैसा मामला है कि अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो उस टेक्स्ट बुक तक, क्योंकि आप टेक्स्ट बुक की रस्म अदा करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो। और जब नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो ये मत सोचो यहां एक पैराग्राफ दिया है जिसमें बात नहीं समझ में आ रही मुझे, और वो पैराग्राफ बस मेरी टेक्स्ट बुक में इतना ही है इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा और। तो अपने आप को क्यों बांध रहे हो? देखिए क्या होता है कि जब एक शख्स और ज्यादा करने का जज्बा उसमें होता है ना, तो बेसिक लेवल तो पूरा हो ही जाएगा। देन ही इज अहेड ऑफ दोज 99% स्टूडेंट्स। कैसे आगे बढ़ेंगे? इज बाय जेन्युइनली बीइंग इंटरेस्टेड एंड बाय आस्किंग। तो कोई भी कंसेप्ट हो, नॉलेज इज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। इल्म को परस्यू करना है उस नॉलेज के लिए। कुरान में 24 प्लेसेस में दिया है, अफला ताकिलून, अकल नहीं इस्तेमाल करोगे? अकल इस्तेमाल करो। अफला तुबसिरून, क्या तुम देखोगे नहीं? ये मतलब देखो। अफला ततफक्करून, क्या तुम गौर नहीं करोगे? हाँ, अलम तौरा, क्या ये नहीं देखते? तो मतलब वो इंटेलिजेंस को जैसे कि इंस्टिगेट किया गया है कि यू यूज योर माइंड्स। कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि जो साइंस जिस बेसिस पर बेस्ड है, हाँ, जो बेसिस पर, फाउंडेशन पे बेस्ड है, वो जमाने के इन साइंटिस्ट ने प्रेजेंट किया था, जो कुरान से इंस्पायर्ड थे, जो इस्लाम से इंस्पायर्ड थे, और जिनके नाम आज भी हम देख सकते हैं हिस्टोरिकल बुक्स वगैरह में, आज भी प्रिजर्व्ड और मौजूद है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से बिफोर यू इज दैट
हमारा जेन्युइन इंटरेस्ट उस नॉलेज में हमें पूछने की तरफ ले जाए, और पूछना आज बहुत वाइड स्कोप हो गया है। कई बार कुछ टीचर्स होते हैं जो वेलकमिंग एटीट्यूड नहीं होता है। मैंने कहा दो प्रॉब्लम्स होते हैं, एक प्रॉब्लम स्टूडेंट की तरफ से होता है, एक प्रॉब्लम टीचर्स का होता है। क्योंकि टीचर्स जिन्हें जवाब नहीं पता होता है वो पूछने वाले स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, उनको ऐसा लग रहा है ये स्टूडेंट मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू कैच मी आउट, या मुझे एम्बैरेस करने की कोशिश कर रहा है। कई बार वो गुस्सा भी हो सकते हैं, कई बार बदमिजाजी भी आ सकती है। तो वी हैव टू सी कैसे हम कर सकते हैं, हमें नॉलेज चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आपकी नॉलेज का है इज रिस्पेक्टिंग योर टीचर, हम उस पर बाद में आएंगे। तो यहां हमने देखा ये है पूछना, तो फर्स्ट पॉइंट क्या था इसमें, लिसनिंग, सेकेंड पॉइंट अंडरस्टैंडिंग, थर्ड पॉइंट राइटिंग, फोर्थ पॉइंट आस्किंग, हाँ, फिफ्थ पॉइंट अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।